बलिया के हैं। आप बताते हैं कि पवन सिंह जी के वाइफ जो है ज्योति सिंह, उनके मामा लगते हैं। पवन सिंह जी बोल रहे हैं कि हमको तलाक चाहिए, और ज्योति सिंह जी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपया दीजिएगा तब हम तलाक देंगे। आपके भांजी कहते हैं, आपके जिला के हैं, ये गलत है। 10 करोड़ रुपया में तलाक मतलब क्या डील करना है क्या कि पैसा चाहिए? गलत बात है। हमारी भांजी उनकी क्या होता है जो गलत है सो गलत है। पवन सिंह जी मतलब वाइफ करना है क्या शादी मतलब नहीं पट रहा है तो क्या 10 करोड़ से पवन सिंह क्या बाजू में 10 करोड़ लेके पवन सिंह आ जाएंगे क्या? 10 करोड़ के पवन सिंह तो होंगे 10 करोड़ के। पवन सिंह पावर स्टार दुनिया में एक ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। बस दूर जाने का मैंने प्रयास नहीं किया कि तलाक उलाक मत कीजिए आप लोग, एक हो जाए। देख रहे हैं आप लोग भोजपुरी के नंबर 1 चैनल बीएफसी न्यूज़। मैं हूं आप सबका दोस्त रोहित राइडर, और अभी हमारे साथ उधारी बाबू, काफी अच्छा कोरियोग्राफर, काफी अच्छा एक्टर, सिंगर गौरव सिंह राजपूत जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। प्रणाम गुड़ लगत नहीं, हम रुआ के गुड़ लगत नहीं, रुआ चैनल के बीएफसी न्यूज़ की देखे वाला गुड़ लगत नहीं, भैया के गुड़ लगत नहीं, जी पूरा चलावत नहीं, और जितना भी दर्शक बा वहाँ के हम गोड़ छू के गुड़ लगत नहीं। भैया हम बने आप सबके भाई और बेटा उधारी बाबू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरे धन्यवाद। और आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। नया गाना आया हुआ है बिहार वालन के हाथ, गाना को लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है, गाना बड़ा जबरदस्त है और लोग काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। बिहार पर पहला बार ऐसा कोई सिंगर जो है, कोई कोरियोग्राफर है, कोई एक्टर है कि इतना जबरदस्त गाना बनाया। गाना बना कर कैसा लगा? बहुत बढ़िया, प्राउड फील होता कि हमने के बिहार के प्रेजेंट के लिए बनी जा अपना गाना के मार्फत से, और हमरा ज्यादा प्राउड फील हुई वहाँ के जे गाना देखी कि बिहार वालन के हाथ रही तो सगरो राज करबो। गौरव जी हम चाहेंगे गाना को दौरान गा के पहले सुना दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि नाचे आइल बानी देख के जवानी छुई जानी, कि देह में न सटी नर 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 मुई जानी, कि रेवटी में आके मैंने जे जौ दिया ज करवे, बिहार वालन के हाथ रही ता सगरो राज करवे। क्या बात है। बिहार वालन के हाथ रही ता सगरो राज करवे। मैं बेसुरा गाता हूँ। जोश में गा दिया। गाना में काम करके, डांस करके, गाना को बना करके कितना मजा आ रहा है आपको? मजा ही नहीं किया, प्राउड फील होता कि देखिए बहुत कम ऐसा चीज होला ना कि कहीं के कुछ प्रेजेंट कर पाए आदमी, ठीक है। तो हम कोशिश के लिए बनी हमने के बिहार के प्रेजेंट कर लिया, और एकरा वजह से हमारे बिहार के जितना भी दर्शक बा, बिहार के जितना भी जनता बा, वहाँ सबके प्राउड फील हो कि बिहार के ऊपर वाकई में कुछ सुंदर गाना आई। अच्छा उधारी जी, आप बलिया जिला के हैं, बलिया यूपी में पड़ता है, यूपी को होकर के और बिहार गाना में कमाल डांस, कमाल का डांस, और बिहार के ऊपर गाना पहली बार कोई ऐसा सिंगर जो है बनाया है बिहार को लेकर के। हर लोग जाति के ऊपर अश्लील गाना बनाते हैं, लेकिन आप बिहार को लेकर के बनाए, तो गाना बनाने का मुख्य पर्पस क्या है? मुख्य पर्पस यही है कि लोग हमने के कलाकार है, हमने के लोग कलाकारी देखे और कहीं ना कहीं हमने के टच हो हम जाओ वहाँ सबके। अगर बिहार के जनता के बारे में हमने की बात करते नहीं जाए तो बिहार के जनता हमने पूछ करे भाई की है उधारी बाबू, अच्छा इनका हाउ गाना रखी आई रहे, अच्छा इनका फिल्म आई रहे बिटिया छठी माई गए, इनका बलिया का दबंगई फिल्म आई रहे। रहल बात हम बलिया कहीं, बलिया कहीं, लेकिन बलिया बिहार से बाहर नहीं ना, बिहारे बैठे। अगर भोजपुरी भाषा देखल जाओ तो आरा बलिया छपरा ये गुल सबसे मेन गढ़ है, तो हम बलिया का कभी बिहार से बाहर नहीं समझ ले। गाना में वीडियो क्वालिटी की बात किया जाए तो भोजपुरी के बड़े बड़े दिग्गज सुपरस्टार जिस तरह का वीडियो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, उससे भी बड़ा लेवल के आप वीडियो बना दिए हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिएगा दर्शकों को? पूरा श्रेय जाता हमने के जो प्रोड्यूसर बानी राजू कुमार भैया, वहाँ का श्रेय जाता आरएन डिजिटल रिकॉर्ड्स, आरएन रिकॉर्ड्स भोजपुरी प्रेजेंट के जाता कि वहाँ के हमरा के खुल के काम करे के मौका देनी। उधारी तू कतना खुल सकला खुलो, हमके रिजल्ट चाहिए ऊपर से पूरा मतलब आदेश मिल गया है। बस बस खाली उनको रिजल्ट चाहिए कि आप अननेसेसरी पैसा मत खर्च करिए, जहां होगा आप लगाइए हम देंगे, आपको कौन चाहिए बोलो। अब मैं बताऊं, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बड़े इसमें एक इंडिया लेवल की आर्टिस्ट थी उसको हम लोग कास्ट करने वाले थे, बट लेकिन मैंने बोला कि नहीं भैया अभी थोड़ा सा जो भोजपुरी में जो चलता ओकरा के लिए चल जाओ और इनका के कास्ट करने जा, वनु दी ग्रेट के का, हाँ वनु दी ग्रेट के कास्ट करने जा, कास्ट करके और काम करने जा। ये गाना आरएन रिकॉर्ड्स पे सुबह सुबह रिलीज किया गया है, जिस गाना को गाए हुए हैं गौरव सिंह राजपूत साथ में शिल्पी राज जी, गाना में वीडियो में काम जो किए हैं उधारी जी हैं हमारे साथ में और बनी दुग्रेट जी। अच्छा हीरोइन आपका नहीं आई हुई है? हीरोइन हमारे साथ देखिए सबसे प्लस पॉइंट ये हुआ कि हमारे साथ जो काम कर रहा हूँ सुपर स्टार हो जाला टोटल। अब देखिए बाबू साहब सच्ची बता रहे हैं, बाबू साहब नो डाउट आज तो इनका नाम है, लेकिन इस गाने के बाद ये सुपर स्टार हो जाएंगे, मेरा पता नहीं, मैं भगवान के हाथ में छोड़ दिया हूँ और मार दिए हैं कि इस गाने के बाद ये सुपर स्टार हो जाएंगे।
उम्मीद ले लीजिएगा कि इस गाने के बाद ये सुपरस्टार हैं। तो हमारे साथ लड़की काम 2 साल पहले की थी, फर्स्ट सॉन्ग नौलखा मंगा दे रहे ये करके गाना था जिसमें रोनित जी गाना गाए थे, रोनित भाई मेरा भाई है, रोनित और म्यूजिक दिए थे, शायद कन्फर्म हूँ कि आर एस शर्मा दिए थे। उसमें हम लोगों ने इस लड़की को कास्ट किया था वहाँ पर, और गाने में जो परफॉर्म की लड़की उसी गाना से स्टार बन गई। बहुत ही अच्छी आपको रियोग्राफर है, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ आपने काम किया है, उनके कई सारे वीडियो में काम किया है, नया नया चीजें दिया है उनके वीडियो में। अच्छा ये बताइए पवन सिंह जी के साथ काम करके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पवन भैया के साथ काम करके मतलब एक ड्रीम कम ट्रू का कजल अंग्रेजी में कौन कजल हमारा अंग्रेजी पवन भैया अंग्रेजी से में हाँ वो है कहे कि भैया हमने अंग्रेजी वाला नहीं तो मतलब एगो सपना साकार भले कि 10 साल पहले जब प्रोग्राम हम देखते रहनी बलिया में 10 साल पहले वहाँ के प्रोग्राम कर रही हमारे बड़े भैया शंकर सिंह बानी वहाँ के यहाँ आए रही वहाँ के प्रोग्राम कर, तो वहाँ के संगे 2010 में हम देखते रही प्रोग्राम आ 2019 लास्ट में हम वहाँ के कोरियोग्राफ करते रही। तो बात समझी कि एगो सपना के लिखा बा कि वहाँ के हम जरा हम दर्शक रही वहाँ के हम आज नचाव तीन समझी, तो वहाँ के संग काम करके वैसा फील रहा। और दूसरी बात कि वहाँ के तनिको फील ना होके दे ना हम पावर स्टार, हाँ दुनिया खाती वहाँ के पावर स्टार बनी थी बनी, लेकिन हमारा के अपन छोट भाई लेखा मानी ला। अच्छा उभरते हुए सिंगर गौरव सिंह राजपूत का इस तरह का आपने वीडियो बनाया, पवन सिंह जी से मतलब पवन सिंह जी की तरह कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि उनसे खराब वीडियो नहीं, नहीं, नहीं है। कंपेयर करने की पवन सिंह पावर स्टार दुनिया में एक ही है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। अच्छा बस दुनिया में पावर स्टार एक ही है भैया बस। इस वीडियो को लेकर विशेष तौर पर दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? यह रिक्वेस्ट करम की भैया हमने के कोशिश के लिए बनी, हमने के कोशिश ही कर सके, कलाकारी और कोशिश दो चीज हो सकेला, बाकी हिट फ्लॉप रहुआ के सबके हाथ में, बढ़िया चीज करो सब प्यार करम तक एनर्जी मिली। जैसे हम बचपन में देख लो डाउन नंबर 1 फिल्म साउथ के पहला फिल्म, तो उके लोग बतावे के ना पड़ा क्या सब लोग को देख लो वो गारंटी पर देख ले हम जे भी देख ले बात, वही तरह हमने भोजपुरी में कोशिश के लिए बनी जा कि अगर केहू एक बार वीडियो खोलो तो बोर ना होके। अच्छा हाँ बोर हो जाओ बोर ना होके, देखा देखा बोर हो जाओ, मतलब इतना देखो कि बोर हो जाओ लेकिन बोर ना होके। भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह से आप जुड़े हुए हैं, पवन सिंह जी के कई सारे साथ गाना में काम किए हैं, ये बताइए पवन सिंह जी अभी जो है मुसीबतों का कह रहे हैं, कुछ लोग सामना कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं पवन सिंह जी के साथ मामला चल रहा है, पवन सिंह जी के वाइफ के साथ जो तलाक वाला मामला चल रहा है, अभी बलिया के हैं आप बताते हैं कि पवन सिंह जी के वाइफ जो है ज्योति सिंह उनके मामा लगते हैं, दूर के रिलेशन है, मामा ही लगेंगे उसका, मामा का भी लगेंगे उसका, हम भैया भी लगते हैं दो तरीके से, राम बाबू भैया जो हैं भैया लगते हैं मेरे चाची के भी भतीजे लगते हैं, तो कहने का मतलब ये मामा है, लगते हैं पवन सिंह जी के वाइफ के। हाँ क्योंकि मेरी जो बुआ की लड़की है उनकी जेठानी की बहन की लड़की है। अच्छा तो मामा ही लगेंगे उस नाते से, लेकिन ठीक है मैं बस इसी तरह यही बोलूंगा, वो मुझे बाद में पता चला, एक हम शादी में गए थे तो मुझे पता चला कैसा ऐसा सिस्टम है और वो मुझसे इतनी क्लोज जुड़ी हुई है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि उन लोगों का पारिवारिक मैटर है, वो लोग बहुत बेहतर तरीके से उसको डील कर सकते हैं, जो कोर्ट में मामला आया वो मुझे गलत लगा, अगर पटे ना पटे आपस में बात करके अलग हो सकते थे, इसको मामला जो उछाल के बेइज्जती कहीं ना कहीं इसमें दोनों परिवार का है, बेइज्जती सबसे ज्यादा इसमें पवन जी का है। अच्छा। सबसे ज्यादा बेइज्जती इसमें पवन जी का है क्योंकि देखिए नाम जिसका बड़ा होता है बदनाम वही उतना बड़ा होता है। तलाक का मुकदमा पवन सिंह जी की तरफ से दायर किया गया है, पवन सिंह जी बोल रहे हैं कि हमको तलाक चाहिए, और ज्योति सिंह जी की तरफ से डिमांड किया जा रहा है कि 10 करोड़ रुपया दीजिएगा तब हम तलाक देंगे, आपके भांजी कहते हैं आपके जिला के, ये गलत है, 10 करोड़ रुपया में तलाक मतलब क्या डील करना है क्या कि पैसा चाहिए, गलत बात है, हमारी भांजी उनकी क्या होता है जो गलत है सो गलत है। पवन सिंह जी मतलब करना है क्या शादी मतलब नहीं पट रहा है तो क्या 10 करोड़ से पवन सिंह क्या बाजू में 10 करोड़ लेके पवन सिंह आ जाएंगे क्या 10 करोड़ के पवन सिंह तो होंगे 10 करोड़ के भाई अलग ही होना है ना, तो आप एक सक्षम फैमिली से बिलोंग करती हैं, पैसा का डील क्या करती हैं आप, क्या राम बाबू सिंह सक्षम नहीं है कि उनको कर सके, हाँ अलग बात है, अब अगर आप अलग हो रही हैं तो आप एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि भैया मुझे मेरा घर परिवार चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए, वो एक बात अलग होता है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का डिमांड कोई गलत बात है। आप उनके रिलेशन के हैं उनके जिला के हैं तो बचपन से उनको जानते होंगे ज्योति सिंह जी को? नहीं नहीं मैं मुझे बताते थे लोग मैं जानता था बिकॉज मेरी बचपना हुई तब से मैं बिजनेस करता था और उसके बाद जब मैं थोड़ी सी 16-17 साल का उम्र था मैं मुंबई चला गया, उनसे बात होती उनके फैमिली के लोगों से आपका? राम बाबू जी एक बार मुझे कॉल किया था, उनको कुछ कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि, तो मुझे रात में 12 बजे कॉल किए, तो मैं बोला कि समझाने का मैंने प्रयास नहीं किया कि तलाक उलाक मत कीजिए आप लोग एक हो जाइए, सब क्या साथ हमारा मेरे हाँ मेरे पापा समझा सकते हैं, मेरे चाचा समझा सकते हैं, मेरे फैमिली में वो लोग समझ, मेरी क्या औकात है कि मैं उनको समझाऊंगा, खुद उनके फैमिली में समझदार लोग, मैं क्या समझा पाऊंगा। चलिए गाना जो है बिहार वालन के हाथ गौरव सिंह जी ने गाया अपने प्यारे आवाज में, गौरव सिंह जी गाना ऐसे भी बहुत पहले अच्छा अच्छा गाना दे चुके हैं, नया देवी गीत नया तैयारी क्या कर रहे हैं, देवी गीत आने वाला है? देवी गीत का आ रहा है बाबू साहब का, बाबू साहब गौरव सिंह राजपूत जी को बाबू साहब बोलता हूँ, बाबू साहब का देवी गीत आ रहा है, अभी मेरा आएगा कि नहीं आएगा मुझे कुछ प्लान किया नहीं हूँ, बट लेकिन इनके गाने को मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा बहुत एक अलग लेवल पे आ रहा है। गौरव जी नए नए गाने के लिए क्या तैयारी है? देवी गीत अभी आ रहा है, बहुत बड़ा लेवल पे आ रहा है वो, उसके बाद यही आर एन रिकॉर्ड भोजपुरी पे,
बाबू साहब पे बहुत बड़ा मैटर आ रहा रोहित जी, बहुत बड़ा मैटर। जाति पे, भगवान पे, भगवान जाति के ये कोई मतलब नहीं होता है, समझे आप? बता तो रहे हैं बाबू साहब, जतिवादे है मगर वो सब सब सुनेगा समस्त करे, लेकिन किसी को विरोध में नहीं, विरोध में नहीं है वो, फ्रेश मैटर, मैटर फ्रेश पूरा है। जैसे नजर आत्मा मिला भगवान से था ना, उसी टाइप का मैटर है। आप भगवान है, कहा जाता है कि लोग जाति की तरफ खींचते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में किस कलाकार को आप अपना आदर्श मानते हैं? क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब एक मैटर हुई थी तो उसमें मैं सबसे पहले गाना गाया था पवन सिंह पे ही। अच्छा, ठीक है, जो गाना अच्छा खासा गया था सनकी जब भगवान था चिलेवे माई माई रे। अच्छा, वो मेरा ही सॉन्ग था। तो पवन सिंह मैं उनको शुरू से फॉलो करता हूँ, अभी अभी मैं उनको ही फॉलो करता हूँ। ये जात की मैं राजपूत है तो मैं नहीं, उनकी गायकी पवन सिंह जी को आदर्श मानते हैं अपना। बिल्कुल 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 सत्य है, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इतना अच्छा कोरियोग्राफर करते हैं, एक्टिंग भी कर लेते हैं, कहीं क्लास व्लास किए थे कि खुद से मतलब ये चीज करने लगे? बचपन में भैया छोट रही तो हम हमारे मित्र लो नचाओ तो शादी ब्याह में, तो इससे हमारा नाचे का बड़ा मन करे, तो ब्याह शादी गाँव में कोई लड़की के ब्याह होकर तो बड़ा हमारा खुश होकर ऐसे खुश होगी कि लड़की के ब्याह में जाहिर सी बात पा कि ओहर डीजे जो मामला ना रहे, तो जाहिर सी बात बाजा आई नाची आई, तो हम जब बाजा नाची आवे तो हम कहें कि भैया तरी हमारे पीछे ढके ले जाकर नाचम, छोटना वाला आदमी दिन ढके ले एकदम बेचैनी था नाचने का। नाचते 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 फिर पवन भैया का बहुत सारा गाना सुने, क्योंकि उसी वक्त हमारे समय में वही सुपरस्टार थे गोपाल, जब हम छोटे थे बचपन। तो खेसारी लाल के साथ काम किया है कि नहीं, कोई वीडियो में? हमने अवार्ड शो किया है, अवार्ड शो करने के बाद देखे होंगे बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्हीं के गाने में परफॉर्म किया था, 22-23 मिलियन गया था, उसके बाद कई चैनलों स्ट्राइक मार दिया, तो वह उसमें बहुत एक मुझे एक सुपरस्टार वाली फील आई थी, और खेसारी भैया ने भी मुझे उठ के गले लगाया था, तो किया है हमने उसके साथ, और रिश्ता बहुत अच्छा है, जब भी मिलते हैं तो समझाते हैं, काम नहीं किया है हमेशा मुझे वही फोन किए हैं, और मुझे इंतजार रहता है कि वो फोन करे, आएगा तो जरूर करूंगा, नहीं आएगा तो मैं काम कर ही रहा हूँ। अच्छा, जाते जाते दर्शकों को इस गाना को लेकर क्या विशेष तौर पे कहना चाहिएगा? गाना अभी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, दर्शक सुनने पर तैयार हो चुके हैं, लोग सुन रहे हैं गाना को, अभी पब्लिक लग रहा है कि एक्सेप्ट करेगी, तो क्या कहना चाहिएगा दर्शकों? हम बस यही कहेंगे कि भैया हम बहुत अच्छा प्रयास करे, हमारा पूरा टीम बहुत प्रयास करे, बहुत अच्छा खासा बजट लागल बा, और सबसे ज्यादा हमें मतलब पूरा टीम ऐसा नहीं कि खाली उधारी पे मेहनत करे, एगो कोरस से लेके एगो बैकग्राउंड से एगो स्पोर्ट बॉय से लेके बहुत ज्यादा वाकई में हमने के 14 घंटा में गाना हमने के शूटिंग करे बनी जा कुल मिला जुला के, तो ये बा कि सबकर मेहनत पसीना बहल बा, पैसा लागल बाटे, और हमने के बिहार के प्रेजेंट करे कोशिश करे, कम से कम हम इतना चाहम जरूर कि बिहार के जो पब्लिक बा चाहे जहां भी होके एक बार सुने, गारंटी कहत नहीं कि वहां सबके प्राउड फील हुई। गौरव जी, गाना को लेकर दर्शकों क्या कहना चाहिएगा विशेष तौर पर? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं बिहार पे ही गया हूँ, तो हमको पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि बिहार के लोग हमको प्यार दुलार देंगे। और आप लोग बस हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस गाने को मतलब कि एकदम गांव गांव तक पहुंचा दीजिए, ठीक है? गांव गांव तक उस गाने को पहुंचाइए, ये गांव मतलब अगर एक बार भी गाने अगर पब्लिक में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो सुनेगा ही सुनेगा। हाँ, क्योंकि इतना अच्छा ही मैटर ही है, और दूसरी चीज के बिहार वाले पे, तो अगर बिहार के लोग सपोर्ट हमको नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, बताइए? देखिए, ये गाना आरएन रिकॉर्ड्स पे रिलीज कर दिया गया है सुबह में, इस गाना को आप लोग जाके एक बार जरूर सुनिए, और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक है, कम्युनिटी भी गाना लग गया है, तो जाके एक बार गाना को सुनिए और जोर शोर से इस गाना को शेयर कीजिए, हर बिहार वासियों को पहुंचाइए। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो अगले एपिसोड के साथ।